Hello everyone, this is your dietitian Dr. Aisha Siddiqui and welcome back to the Nutrition Hub. And today the topic under discussion is 12 reasons why you are not losing your fat. If your weight is stuck at a certain point and you are worried about it, this video is going to be very helpful for you, so keep on watching. Let's start the video. The first thing is summary. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आप आइदर डाइटिंग भी कर रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट किसी पॉइंट के ऊपर स्टक हो गया और आप इसके बारे में बहुत परेशान हैं, तो इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इसकी रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो पहली रीज़न जो इस कैटेगरी में फॉल करती है वो ये हो सकती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी रीज़न है। लो पोटाशियम हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं डाइट में, या आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं रहते हैं, आप कैलोरीज बहुत कम या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आप नींद बहुत कम ले रहे हैं, स्ट्रेस में आप रहते हैं, और या फिर आप कार्ब्स, हिडन कार्ब्स आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा हैं, या आप फाइबर की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं लेते, या आपका अनहेल्दी गट है, या फैटी लिवर, या लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के इश्यूज हैं आपके कुछ, या हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी किस्म का, या फिर आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है आपकी, या फिर आप फैट आपके रिकमेंडेड डेली इनटेक से ज़्यादा आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी एनिमल ओरिजिन से। तो ये तमाम वजूहत हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी जो है किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर स्टक कर सकती है और रेजिस्ट कर सकती है वेट लॉस के अगेंस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो मेन प्रिकर्सर है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से हमें शुगर के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब अगर इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और आपका शुगर जो है वो मेटाबॉलाइज नहीं होता, तो वो शुगर क्या करेगा, वो एक्सेसिव फॉर्म के अंदर फैटी जो सेल्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आपका एडिपोसाइट्स जो है ना उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको लगेगा जी आप फैटी हो गए। इंसुलिन का एक और काम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंसुलिन क्या करती है, वो सेल को हेल्प करती है कि वो अमाइनो एसिड्स को और डिफरेंट फ्यूल्स को सेल के अंदर आने दे, ठीक है, ताकि फर्दर उनका मेटाबॉलिज्म हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है तो आपका प्रोटीन आपके सेल के अंदर एंटर नहीं होता और उसकी फर्दर मेटाबलाइज नहीं होता। आपको पता है कि आपके प्रोटीन आपके सिर्फ नाखून और स्किन और बाल ही जो है ये प्रोटीन से नहीं बने हुए, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है, आपके ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे ये प्रोटीन बेस्ड हैं। तो अगर आपका प्रोटीन मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, आपका प्रोटीन अंदर ही नहीं आ रहा सेल में इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, आपको मसल लॉस भी हो सकता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम हो सकता है, आपके हार्मोन इम्पेयरमेंट हो सकती है, इसके साथ आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्लो हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज इस वजह से हो जाते हैं। सेकेंडली हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे लो पोटाशियम की। पोटाशियम जो है इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 4700 mg, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट में प्रॉपरली पोटाशियम नहीं ले रहे, ठीक है, आप डाइट में वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो अगर वो यूज़ नहीं करते उस वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, और ड्यूरिंग डाइट एक तो आपको हाइड्रेट रखती हैं, प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस प्रोवाइड करती हैं, और पोटाशियम जो है जो कि वेजिटेबल्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करती हूँ कि आप 5 से लेके 7 कप्स जो हैं एक दिन में वेजिटेबल्स के कंज्यूम करें, कोई नुकसान नहीं है इनको। अगर आप प्रोटीन के साथ, मॉडरेट प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और ग्रास फेड फैट्स के साथ आप इनको कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, आपकी बॉडी वेट लॉस भी करती है, इवन दो आप जो है डायबिटिक जो हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसमें स्लो मेटाबॉलिज्म की, हाई प्रोटीन की, डेफिनेटली स्लो मेटाबॉलिज्म होगा जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपके सेल्स के अंदर जो है प्रोटीन नहीं आ रही और प्रोटीन प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रही, तो आपके मेटाबॉलिज्म जो कि बना हुई प्रोटीन्स का है, आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे, तो मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो स्लो हो जाएगा। हाई प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, हाई प्रोटीन की बात करते हैं, हमारी बॉडी जो बेसिकली एनर्जी लेती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से लेती है। अगर आप कार्ब्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फिर ब्रेकडाउन होता है, तो वो
ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। थर्ड प्रोसेस है इसके बाद, वो कीटोसिस के थ्रू जो है कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, फैट्स बर्न होते हैं, तो फिर आपको एनर्जी मिलती है। अगर वो भी नहीं होता तो उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, उसके थ्रू एनर्जी मिलती है। तो अगर आप डाइट पे हैं और इधर आप जितने मर्जी लो कार्ब्स ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन की आप बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो आई जा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इंसुलिन प्रॉपरली उसको वो डाइजेस्ट अगर नहीं कर पाती, प्रॉपरली उसको बैलेंसीफाई नहीं कर पाती, तो भी आप जो है उसका इशू हो सकता है आपको वेट के स्टक होने का। उसके बाद हम बात करते हैं पुअर थायराइड की। थायराइड जो है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है। अगर आपका थायराइड जो है वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जी हम ये बात करते हैं वेरी लो कैलोरी डाइट और लेस स्लीप की। वेरी लो कैलोरी डाइट पे जब एक इंडिविजुअल रहता है या कोई पेशेंट रहता है काफ़ी ज़्यादा देर तक, तो उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बॉडी एनीमिक हो जाती है। समटाइम एनीमिया की वजह से क्या होता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और बॉडी की जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपको ये फील हो सकता है। लेस स्लीप की अगर हम बात करें, मेलाटोनिन जो है आप ऐसा हार्मोन है जो आपकी स्लीप को ट्रिगर करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। मेलाटोनिन क्या करवाता है, मेलाटोनिन का बेसिकली काम ये स्लीप हार्मोन तो नहीं है, ये डार्कनेस का जो सिग्नल है बॉडी को प्रोवाइड करता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। तो बॉडी जो है वो सोचती है जी कि अब अंधेरा हो गया, तो सर्कैडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है हमारी बॉडी की, तो फिर बॉडी जो है वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, तो आपको उस वक्त नींद आ जाती है, ठीक है। अगर आप रात भर प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे, ठीक है, आप ले नहीं सके, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो स्ट्रेस जो है उसको कॉर्टिसोल के साथ एक लिंक है। कॉर्टिसोल क्या करेगा, अगले दिन कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होगा आपके सुबह के वक्त, तो कॉर्टिसोल क्या करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, ठीक है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको डिस्टर्ब करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, और आपकी बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकेगी प्रॉपरली, आपका स्लो मेटाबॉलिज्म रहेगा, और आप अपनी जो है वो एक्सरसाइज के बावजूद और अच्छी डाइट के बावजूद भी आप नहीं कर सकते वेट रिड्यूस। लो फाइबर डाइट और अनहेल्दी गट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लो फाइबर डाइट लेते हैं, और लो फाइबर डाइट जो है वो एसोसिएट करती है अनहेल्दी गट के साथ। आपको पता है प्रोबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट के अंदर, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और उस खाने को हमारी बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो जब आपकी डाइट के अंदर उनकी जो फूड है वो फाइबर होती है, अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपरली फाइबर नहीं ले रहे, ठीक है, तो फाइबर नहीं ले रहे, उसकी वजह से क्या होगा, वो गुड बैक्टीरियाज आपके जो हैं उनकी कॉलोनीज कम हो जाएंगी। जब उनकी कॉलोनीज कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको डाइजेस्टिव इशू जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको गैस भी हो सकती है, ब्लॉटिंग भी हो सकती है, और समटाइम्स लूज मोशन भी, डिफरेंट तरह के इसके जो हैं वो इशूज़ आपकी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आप वेट जो है वो प्रॉपरली रिड्यूस नहीं, वो ख़त्म हो जाए। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कंटेंट पसंद आया है, और इसके बारे में अगर आपको कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।